मई 2023 से पहले इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बायर्स को सब्सिडी देती थी 40% की, जो कि जून में रिड्यूस हो गई 15% तक, जिस वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का प्राइस जो है वो मार्केट में बढ़ गया। एंड जस्ट टू कॉम्पनसेट दैट प्राइस हाइक इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, एथर इलेक्ट्रिक हैज लॉन्च द ऑल न्यू एथर 450S। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और अभी फिलहाल मैं हूं बैंगलोर में और इस पर्टिकुलर स्कूटर यानी कि एथर 450S को राइड करने आया हूं। एथर एनर्जी की तरफ से आपके पास तीन स्कूटर्स अवेलेबल हैं। एक तो ऑनगोइंग मॉडल है एथर 450X, 6.4 किलोवाट मोटर और 3.7 किलोवाट आवर बैटरी के साथ। उससे कम प्राइस में अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं एथर 450X स्मॉल बैटरी के साथ, जिसमें मोटर आपको 6.4 किलोवाट की ही मिलेगी, तो परफॉर्मेंस सेम मिलेगा, बस रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी और प्राइस भी आपको कम पे करना पड़ेगी। और जिन बायर्स को एथर का सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेना है वो जा सकते हैं एथर 450S के साथ, जिसमें मोटर 5.4 किलोवाट और बैटरी 2.9 किलोवाट की कर दी है। तो क्या ये शॉर्ट राइडर्स के लिए कंफर्टेबल है? तो आपको लोअर सीट हाइट मिल जाती है 780mm की, तो मेरी हाइट है 5'8" और मैं इसमें इजीली फ्लैट फुट कर पा रहा हूं। तो अगर आपकी हाइट इससे छोटी भी है और अगर लेडीज को भी इसको राइड करना है तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए आंसर इज येस, इट इज कंफर्टेबल। अब राइडिंग पॉस्चर की हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो राइडिंग पॉस्चर है, लोअर बॉडी पॉस्चर थोड़ा सा क्रैम्प्ड सा महसूस हो रहा है, या तो फुटबोर्ड की पोजीशन थोड़ी सी और नीचे हो जाती या फिर सीट की पोजीशन थोड़ी सी और ऊपर हो जाती, तो उससे पोजीशन लोअर बॉडी की थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। टॉलर राइडर्स के लिए हाँ ये थोड़ा सा एक इशू हो सकता है, बिकॉज पिलियन राइडर के लिए जगह नहीं बची है। अगर पिलियन कोई बैठता है यहाँ पर और आपके पास बैग भी है, आप हैंग करे हुए तो अगर आप आगे भी खिसक के बैठते हैं तो हाँ लेग स्पेस आपको अच्छी मिलती है, बट टॉलर राइडर्स के लिए ये थोड़ी सी एक क्रैम्प पोजीशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ये जो इसके ये फेंडर्स निकले हुए हैं ये बार बार नीज से टच करेंगे, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। अपर बॉडी पोजीशन है वो काफी रिलैक्स्ड और अच्छी आपको मिल जाती है, वाइड हैंडल बार मिल जाता है, तो ओवरऑल आपको एक कमांडिंग पोजीशन व्हीकल में मिल जाती है। तो चलिए रिव्यू अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके की आपको इसकी बेसिक सी की मिल जाती है, जिस पर एथर का आपको एनग्रेव्ड लोगो मिल जाता है। की स्लॉट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सब अभी बता देता हूं आपको। मल्टीफंक्शन की स्लॉट है जिससे आप इग्निशन ऑन कर सकते हैं, हैंडल को लॉक कर सकते हैं और अंडर सीट स्टोरेज ओपन कर सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज की बात करी ली है तो ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं। 22 लीटर्स का आपको यहां पर अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, काफी अच्छा है, स्पेशियस अंडर सीट स्टोरेज है और आप इसमें एक फुल फेस हेलमेट कैरी कर सकते हैं, तो वो एक काफी अच्छी चीज है और ये एक काफी प्रैक्टिकल फीचर है इस सेगमेंट में, बिकॉज जो दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें कंपनीज यहां पर बैटरी प्लेस कर देती हैं या कुछ ये स्पेस जो है कवर हो जाती है, अंडर सीट स्टोरेज उतना अच्छा नहीं मिलता है। यहां पर आपको इसमें बूट लाइट मिल जाती है जो कि काफी अच्छी लग रही है, एक प्रैक्टिकल फीचर रहने वाला है रात के टाइम पर आपके लिए। तो सीट को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं डिजाइन की। ओके, डिजाइन अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं करे हैं डिजाइन में। जो टायर है वो आपको 90x90 का मिल जाता है, MRF कंपनी का टायर है, ट्यूबलेस टायर मिलता है, एलॉय व्हील्स जो है वो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, सिंपल सोबर एंड डिसेंट से एलॉय व्हील्स कंपनी ने यहां पर दिए हैं। टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स आपको मिल जाते हैं जो कि दोनों साइड पर हैं, सिंगल साइडेड आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक नहीं मिलता, विच इज आई थिंक डेंजरस ऑन इंडियन रोड्स, दिस इज ड्यूरेबल, तो ये काफी अच्छी चीज आपको यहां पर मिलती है। मडगार्ड जो है वो यहां पर आपको प्लास्टिक का मिल जाता है, बट द प्लास्टिक क्वालिटी इज स्टर्डी और अच्छी है, ये जो इस सेगमेंट की गाड़ी में होना चाहिए वो आपको यहां पर मिल जाता है। डिस्क ब्रेक आपको यहां पर मिल जाता है, बाइब्री का ब्रेक कैलिपर मिलता है और यहां पर आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसमें अगर आप रेड ब्रेक प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ रेशो में फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाता है, जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस इसमें कम होती है। ABS अभी इसमें नहीं आया है, बट एथर इज सेइंग कि ABS इन फ्यूचर जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन व्हीकल्स में। इग्निशन यहां से इसका टर्न ऑन कर देते हैं तो यहां पर आपको LED DRLs मिल जाती है, ये स्मोक्ड आपको यहां पर वाइजर मिल जाता है, इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है, इंडिकेटर्स एक बार टर्न ऑन करके आपको दिखा देता हूं। तो LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और यहां पर वो बजर वाली आपको इसमें नॉइज मिल जाती है। इंडिकेटर्स की जो फ्लैशिंग है और जो इसकी लाइट है वो काफी अच्छी है, लाइट थ्रो भी अच्छा है, लाइट इंटेंसिटी अच्छी है, मतलब वो चीप लुक नहीं दे रहा है, जो क्वालिटी है ओवरऑल वो बहुत ही अच्छी मुझे अभी महसूस हो रही है। यहां पर नंबर प्लेट कंपार्टमेंट मिलता है जो कि थोड़ा सा फ्लिमजी सा फील हो रहा है, बट ठीक है, इट्स एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री। और यहाँ पर आप देखें तो आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, ऑल LED हेडलैम्प यहाँ पर कंपनी ने कहीं पर भी हैलोजन्स का यूज नहीं करा है। मिरर्स की अगर बात करें तो जो मिरर्स का डिजाइन है वो भी काफी अच्छा है, जो क्वालिटी है ओवरऑल स्टडी दिख रही है और मिरर्स को सेट करना भी कोई इतना प्रॉब्लमैटिक काम नहीं है, तो काफी अच्छे से मिरर्स वर्क कर रहे हैं और डिजाइन जो है वो भी काफी अच्छा दिया है। फ्रंट प्रोफाइल से हम एक बार दूर से देख लेते हैं, दूर से देखने में कुछ इस तरीके की ये दिखती है, थोड़ा सा आपको फ्रंट से जो इसकी नोज है वो काफी स्लीक एंड स्टाइलिश सी दिखेगी। अंडर सीट स्टोरेज मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यहाँ पर आपको ये
फ्रेम टाइप का मिल जाता है छोटा सा, जिस पर आपकी सीट माउंटेड है, जिससे हिंज्ड माउंटिंग आपको मिल जाती है, तो वो सीट ओपन या आप इस पर क्लोज कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 170 mm मिलता है, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इंडियन रोड्स, तो आप ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी इशू नहीं आएगा। डबल डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है। जो टायर है वो आपको यहाँ पर MRF कंपनी का मिलता है, 90x90 12 inch के अलॉय व्हील के साथ। अलॉय व्हील का डिजाइन के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये जो टायर आप देख रहे हैं ये उतना फैट टायर नहीं है जो कि इसके एल्डर सिबलिंग में आपको मिलता है, यानी कि 450X में। 450X में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर जो है 100 सेक्शन का टायर मिलेगा, बट यहां पर कंपनी ने 90 सेक्शन का ही इसमें टायर ऑफर करा है। ग्रैब रेल्स की बात करें तो यहां पर एल्युमिनियम ग्रैब रेल्स आपको मिल जाती है, काफी हैंडी है ये। अगर पिलियन पीछे बैठ रहा है तो जिस हिसाब का मोटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है उस हिसाब से ग्रैब रेल्स जो है वो पिलियन के लिए काफी प्रैक्टिकल और हैंडी रहने वाली है। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो एथर का आपको एनग्रेव्ड यहां पर लोगो मिल जाता है, जो क्वालिटी है लोगो के एनग्रेव होने की वो काफी अच्छी है, और LED आपको यहां पर टेल लाइट मिल जाती है। इंडिकेटर्स एक बार मैं टर्न ऑन करके आपको दिखा देता हूं, तो कुछ इस तरीके से आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जो टेल लाइट है वो भी काफ़ी स्लीक एंड स्टाइलिश सी रखी है। इस स्कूटर में कहीं पर भी कंपनी ने मस्कुलर लुक देने की कोशिश नहीं करी, इसको जो है जितना शॉर्ट कॉम्पैक्ट छोटा और स्लीक एंड स्टाइलिश बना सकते थे उतना कोशिश करी है कंपनी ने बनाने की। और फाइनल ड्राइव आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर बेल्ट ड्राइव मिल जाता है, तो बेल्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है और एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिलता है, तो स्विंग आर्म जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। जो ये प्लास्टिक की क्वालिटी है नीचे ये भी काफ़ी अच्छी है, जो मड फ्लैप की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो साड़ी गार्ड है वो भी काफ़ी स्टर्डी फिटिंग के साथ आपको मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा अगली लग रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो इसको निकाल देंगे। ओके, ये मैं स्टिकर समझ रहा था और ये मैं कहने ही वाला था कि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, बट वो स्टिकर नहीं है, इसके नीचे कंपनी ने यहाँ पर दिया है लोगो। तो लोगो आप देख सकते हैं एथर का आपको यहाँ पर लोगो मिलता है। जो साइड पैनल है मैं उस साइड से आपको दिखा देता हूँ, साइड पैनल बहुत ही प्लेन से आपको मिल जाता है, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो साइड पैनल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्लेन सा साइड पैनल मिलेगा, छोटा सा है, ज़्यादा प्लास्टिक पार्ट्स कंपनी ने यूज़ करने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पे आपको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, और चैसी की बात करें तो आपको इसमें एल्युमिनियम चैसी मिल जाती है, जो कि हाइब्रिड चैसी जिसको एथर बोलता है। ओके, तो ये एक्सल का यहाँ पर आपको बोल्ट मिल जाता है, अगर स्विंग आर्म की एक्सल आपको लूज़ या टाइट करनी हो, बोल्ट्स मतलब अगर टॉक करने हो वापस, तो उसके लिए आपको जो है ईजी एक्सेस मिल जाती है। इसके लिए ये पैनल्स रिमूव नहीं होंगे, विच इज़ अगेन अ प्रैक्टिकल फीचर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कूटर। मोटर की अगर इसकी बात करें तो मोटर आपको यहाँ पर मिल जाती है, बेल्ट ड्राइव फाइनल ड्राइव जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मोटर 5.4 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करती है, 7.3 पीएस होता है, जो कि अगर आप आईसी इंजन से कंपेयर करेंगे तो 7.3 पीएस आपको इसमें पावर मिल जाती है। 5.4 किलोवाट की मोटर जो है वो कंपनी ने इसमें छोटी कर दी है, जस्ट टू कीप द कॉस्ट इन चेक, कंपनी ने प्राइस जो है वो इसकी रिड्यूस करने के लिए मोटर को जो है छोटा कर दिया है, जो कि 6.4 किलोवाट की आती है इसके एल्डर सिबलिंग्स में, यानी कि 450X में। तो उसमें आपको मोटर जो है बड़ी मिल जाती है, लेकिन यहां पर कंपनी ने मोटर छोटी कर दी है, जिस वजह से इसका एक्सेलरेशन टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अच्छा, मोटर में टॉर्क कम होने की वजह से, बैटरी कम होने की वजह से इसकी ग्रेडेबिलिटी कम हो गई। अब ग्रेडेबिलिटी क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेडेबिलिटी यह है कि जैसे इंक्लाइन है, इंक्लाइन पे आपको स्कूटर को चढ़ाना है तो उसकी एबिलिटी मतलब उसकी कैपेसिटी कि वो कितने इंक्लाइन पर चढ़ सकती है अच्छे से, तो 18 डिग्रीज की आपको इसमें ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है, जो कि अगेन 2 डिग्रीज कम है इसके एल्डर सिबलिंग 450X मॉडल से। मॉनसून में चलाना है तो उसकी मोटर की आपको रिलायबिलिटी का कंसर्न है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको मोटर और कंट्रोलर IP66 और IP65 डस्ट और वाटर रेटिंग के साथ मिलता है, तो मतलब वो कंप्लीटली सेफ रहेगा पानी से। अगर आप पानी में भी स्कूटर को चलाते हैं तो आपको जो है सेफ्टी मिल जाएगी। वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 300 mm की है, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक के पानी में आप इसको जो है ले जा सकते हैं। उससे ज्यादा की वाटर वेडिंग कंपनी ने जो अपनी ब्रोशर में या स्पेक शीट में मेंशन नहीं करा है। अब मोटर का मैं आपको बता चुका हूं, मोटर छोटी कर दी तो बैटरी भी यहां पर छोटी करी है कंपनी ने। यहां पर बैटरी जो है वो 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी दे दी है, जो कि पहले 3.7 किलोवाट आवर की आती थी और अभी भी आती है इसके एल्डर सिबलिंग्स में। जस्ट टू कीप द कॉस्ट इन चेक, कंपनी ने बैटरी और मोटर से यहां पर कॉस्ट कट करी है और कुछ फीचर्स से भी करी है। फीचर्स में पहुंचने से पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो अगर सेगमेंट से कंपेयर करें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड स्कूटर्स इन दिस सेगमेंट, क्योंकि ईवी सेगमेंट्स में बिल्ड क्वालिटी और इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, बट यहां पर एथर ने बिल्ड क्वालिटी पर बहुत अच्छे से फोकस करके रखा है। द प्लास्टिक पैनल्स, द बिल्ड क्वालिटी, जो पैनल्स की क्वालिटी है, जो मटेरियल क्वालिटी है वो काफी आपको अच्छी मिलती है। पेंटेड पार्ट्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, मेटल पार्ट्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, बट ये जो नॉन पेंटेड पार्ट्स हैं इस पे थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का आपको लैक महसूस हो सकता है। जैसे कि आप ये रफ एजेस ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको लगेगा थोड़ा सा, बट दिस इज एक्सेप्टेबल बिकॉज अगर आप दूसरी ईवीज देखेंगे तो उसमें क्वालिटी और भी जो है डिग्रेडेड मिलती है आपको। तो ये जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लिमजी है, ये चार्जर का आपको पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे और इसकी भी रफ एजेस यहाँ पर मिल जाती हैं, बट दिस इज एक्सेप्टेबल क्योंकि बाहर से जो क्वालिटी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। फिट एंड फिनिश बस नॉन पेंटेड पार्ट्स में थोड़ा सा आपको जो है
डाइसी सा महसूस होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं राटल कर रहा है और थोड़ा सा ऐसे, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा रूम है इंप्रूवमेंट का, बट जो क्वालिटी है वो अभी भी इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी कंपनी ने मेंटेन करके रखी है। चलिए अब इसके डैश पर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर आपको इसका स्विच गियर मिल जाता है। स्विच गियर की जो क्वालिटी है वो डिसेंट है, यहाँ पर उतनी आपको रफ एजेस महसूस नहीं होंगी, अगर बहुत गौर से देखेंगे तो आपको फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, बट अभी भी वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट ये है बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश में। एथर का आपको यहाँ पर लोगो मिल जाता है, हैंडल ग्रिप्स मिल जाती है, यहाँ पर पास लाइट मिल जाती है, पास लाइट स्विच नहीं मिलता है, ओके, हाई बीम लो बीम मिल जाता है। यहाँ पर आपको कंपनी ने ये चेंज करके एक एनालॉग से दे दिया जिसको आप टॉगल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल को यूज़ करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, तो इंडिकेटर को आप टॉगल कर सकते हैं, हॉर्न मिल जाता है, आपको इग्निशन किल स्विच मिल जाता है, तो जिन लोगों की कन्वेंशनल स्कूटर्स चलाने की आदत है उनके लिए इग्निशन किल स्विच काफ़ी अच्छा है। तो इग्निशन किल आप ऑन करेंगे और यहाँ से ब्रेक दबाकर ये सेल्फ मारेंगे तो उसके बाद ही ये जो इसकी मोटर है वो ऑन होगी और उसके बाद एक्सेलरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका रिवर्स मोड मिल जाता है आपको, तो रिवर्स में डालने के लिए आप इसको प्रेस कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं अभी रिवर्स में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको मोड चेंजिंग के लिए बटन मिल जाता है। तो अभी ये स्पोर्ट मोड पर है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको टॉगल करता हूँ तो ये राइट पर आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड टॉगल करता हूँ तो ईको पर आ जाएगी। तीन आपको राइडिंग मोड्स इसमें मिल जाते हैं, ईको, राइड और स्पोर्ट मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्पोर्ट मोड में जो ये अभी रेंज दिखा रही है वो 48 किलोमीटर्स दिखा रही है, जो कि अभी बैटरी इसमें कम है, और राइड मोड में 51 किलोमीटर्स और इको मोड में 58 किलोमीटर्स आपको मिल जाती है। एनालॉग से इसको टॉगल करके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिल जाता है। ट्रिप मीटर मिल जाता है, करंट राइड आपको यहाँ पर मिल जाती है, ऑडोमीटर मिल जाता है, और अब नीचे की तरफ चलें तो आप इसमें पेयर कर सकते हैं अपना मोबाइल, पेयर करने के साथ ऑटो होल्ड आपको मिल जाता है कि अगर आप चल रहे हैं और ढलान पर खड़े हुए हैं तो आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूटर चलते में ऑटोमेटिक जो है अपना ब्रेक दबा लेगी। जब इसमें स्कूटर में आप थ्रॉटल छोड़ते हैं तो उसमें ब्रेकिंग होती है, कुछ इंजन ब्रेकिंग टाइप की चीज़ होती है, तो उस ब्रेकिंग को ये पावर में कन्वर्ट करने के लिए बैटरी थोड़ी सी चार्ज करने के लिए यूज़ करता है, तो ये भी ऑन आपको यहाँ पर मिल जाता है। फॉल डिटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, फॉल डिटेक्शन में जब गाड़ी गिरती है तो जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उस पर कॉल चला जाता है कि आपका क्रैश हो चुका है, तो ये एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है, बहुत ही अच्छा मिल जाता है। ऑटो इंडिकेटर्स आपको जाते हैं कि इंडिकेटर्स आप टर्न ऑन करेंगे तो वो वापस जो है वो क्लोज हो जाएंगे। गाइड मी होम आपको मिल जाता है, यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इनकॉग्निटो मोड मिल जाता है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन होल्ड मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके के आपको इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आपको रेंज मिल जाती है, इसके नीचे ये बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, और जब आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पर ये इसका स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। तो ये जो डिस्प्ले है इसमें कॉस्ट कटिंग इस तरीके से की गई है कि इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता, ये एनालॉग मिलता है, इससे आप टॉगल कर सकते हैं, तो टच स्क्रीन कम करके कंपनी ने यहाँ पर इसको कॉस्ट चेक में कर लिया है। अभी आप देख रहे हैं कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट आती जा रही है धीरे धीरे, और ट्रस्ट मी नेगेटिव टाइप का आपको ये डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बैकग्राउंड ब्लैक मिलता है, बट इसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस दी है तो ये इजीली विजिबल है। अब ये जो मोटर और बैटरी में कंपनी ने कॉस्ट कट करी है उससे एक्सेलरेशन, पावर, टॉर्क ये सब कम हुआ है, लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि इसमें जो रेंज है वो भी इसकी कम हो गई है बिकॉज बैटरी कैपेसिटी कंपनी ने कम कर दी है। तो अभी आपको जिसमें ट्रू रेंज मिलेगी वो 90 किलोमीटर्स की मिल जाएगी स्मार्ट इको पर अगर आप चलाते हैं। इको पर अगर आप चलाएंगे तो आपको 85 किलोमीटर्स की मिलेगी, उसके नीचे उसके उससे और फास्ट मोड में अगर आप चलाएंगे तो 75 किलोमीटर्स की मिलेगी, और अगर स्पोर्ट मोड पर डाल देंगे तो आपको जो है 70 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। तो अगर आप एक फास्ट राइडर हैं, आपको स्पोर्ट मोड में चलाने की आदत है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपको 70 किलोमीटर्स की ट्रू रेंज मिलेगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फीचर्स तो आपको ये वाले सारे मिलते ही हैं जो अगर आप प्रोस्पेक्ट लेते हैं, आपको साथ ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है, तो अगर आपको नेविगेट करना है, आपको इसके चार्जर्स ढूंढने तो आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरा कनेक्टेड फीचर्स वाला जो वेरिएंट है ये आपको प्रोस्पेक वेरिएंट में ही मिलेगा, ये कनेक्टेड फीचर्स जो हैं, और इन कनेक्टेड फीचर्स से ये है कि ऐप में आपको सारी चीजें जो है वो इसकी मिलती रहेंगी। कलर वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको चार कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको सॉल्ट ग्रीन कलर मिल जाता है जो कि मुझे पर्सनली देखने में काफी अच्छा लग रहा था। ये पर्टिकुलर वेरिएंट ग्लॉस व्हाइट पेंट स्कीम के साथ आपको मिलता है, इसके बाद आपको ग्लॉस ब्लैक पेंट स्कीम वाला वेरिएंट मिल जाएगा और मैट ब्लैक वाला पेंट स्कीम यानी कि स्पेस ग्रे वाला पेंट स्कीम आपको मिल जाएगा। तो चार कलर वेरिएंट्स आपके पास हैं, तो जो भी आपका लकी कलर है, जो कलर आपको पसंद है वो आप अपने घर तक ला सकते हैं। बट हाँ, इसके अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाएंगे यानी कि 450X में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कलर ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं, यानी कि रेड कलर और ये वाले कलर्स भी आपके पास आ जाएंगे। तो कुछ फंकी कलर्स का ऑप्शन आपको अगर चाहिए तो इसके हायर एंड वेरिएंट पर आपको जाना पड़ेगा। वारंटी की अगर बात करें तो इसमें आपको 5 इयर्स और 60,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ये प्रोस्पेक वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें आपको वारंटी ज्यादा मिलेगी। और अगर आप इसके कोर वेरिएंट पे जाएंगे जिसमें फीचर्स कम हो जाएंगे और क्या कम होंगे वो भी बता देता हूं, तो उस पर अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको वारंटी कम मिलेगी, कम प्राइस पॉइंट पर आ रहा है तो उसमें आपको मिलेगी 3 साल 30,000 किलोमीटर्स की वारंटी, ठीक है। और ये जो आपको ऑटो जो होम मिल रहा है, गाइड मी होम मिल रहा है, ऑटो इंडिकेटर मिल रहा है, फॉल डिटेक्शन मिल रहा है, ये सारे फीचर्स, कनेक्टेड फीचर्स, राइड मोड्स, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी अगर आप इसके नीचे वाले वेरिएंट में जाते हैं, यानी कि कोर मॉडल में अगर जाते हैं तो उसमें राइड मोड्स भी नहीं आएंगे, सीधा सिंपल एक राइड मोड आएगा जिस तरीके से हमारे आईसी इंजन चलते हैं, तो उसमें आपको एक ही राइड मोड मिलेगा।
तो आई होप सो इसके वॉक राउंड में बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश को लेकर जितने आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब जो मेन बात है कि इसको खरीदना है या नहीं खरीदना, इसकी ओपिनियन क्या है, वो बात करेंगे हम राइड रिव्यू में। राइड रिव्यू में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इसकी टॉप स्पीड, रेंज, चार्जिंग टाइम, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको इसमें बताई हैं, बट उसमें आपको जो है डिटेल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि राइड इंडियन रोड्स पर कैसा करती है, कंफर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम उसमें बात करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और SR मोटोवर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।